गाइस आप सभी का स्वागत है यंत्र विचार में। आज हम बात करेंगे शाओमी के एक न्यूली लॉन्च मोबाइल जो 26 फरवरी को बार्सिलोना के एक इवेंट में होने जा रहा है और बहुत जल्द ये भारत में भी लॉन्च होगा। लेट्स विचार ऑन यंत्र। गाइस आज हम बात करेंगे शाओमी के 13 प्रो के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्प्ले से ही शुरुआत करते हैं इसकी। गाइस अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले की लंबाई करीब 6.73 इंचेस मिलेगी, जिसमें आपको 2K OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें गाइस आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ और 1900 निट्स पिक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आपके डिस्प्ले को एक बेहतरीन लुकअप देती है। गाइस एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये सारे फीचर पहले सैमसंग अपने डिस्प्ले में ऐड कर चुका है, जो अब शाओमी भी कर रही है। फ़ोन में 12GB रैम के साथ 256GB का स्टोरेज मिलता है और साथ ही स्नैपड्रैगन 8 सेकेंड जनरेशन का अब तक का सबसे एडवांस प्रोसेसर मिलता है, जो कि सच में अब तक का बहुत ही एडवांस प्रोसेसर है। गाइस अब बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा जो है आपका लाइका से लेस 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको बैक में देखने को मिलता है और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। इसमें ड्यूल कलर LED फ्लैश भी मिलेगी साथ में आपको बैक कैमरे के लिए। गाइस अब बात करते हैं इसकी मजबूती की, आखिरकार ये है कितना। स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन जो है वो गोरिल्ला ग्लास है और यह करीब 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, यानी कि अब आप बारिश में भीगते हुए भी फोटो वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं इसके कलर वेरियंट की और इसकी चार्जिंग कैपेसिटी की। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 2 कलर वेरियंट अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड वाइट, जिसमें आपको एंड्रॉयड 13 और MIUI 14 मिलेगा। और गाइस इसमें 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 4280 है, यानी 4280 mAh की बैटरी मिलती है आपको। तो गाइस यंत्र विचार को यहीं पर रैपअप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। डेली फ्रेश कॉन्टेंट के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। First time anyone has implemented a floating lens technology on a smartphone, Snapdragon 8 Gen 2. Now this sees a 37% improvement.